पिछले कुछ दिनों से शक्ति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल महाजनवाड़ी हिंगना में कोविड रोगियों का उपचार शुरू है। यह अस्पताल डॉक्टर देवेंद्र घेकाड़े का है। शक्ति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना रोगियों को अवास्तविक बिल चार्ज किया जा रहा है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने से पहले 1,50,000 रुपए का पैकेज दिया जाता है और 70,000 से 80,000 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। आमतौर पर कहा जाता है कि यदि आप विस्तृत बिल की जानकारी मांगते हैं तो बोला जाता है आपका पैकेज था, जिस कारण बिल नहीं मिल सकता। यह सचमुच एक ठगी और लोगों की लूट है। यदि कोई मरीज बिलिंग पर जोर देता है तो वो फोटोकॉपी पर मुहर लगाकर बिल का भुगतान करते हैं। इस शिकायत को लेकर भूषण जगरे इन्होंने अस्पताल की ओर से दिया हुआ बिल जोड़ा गया है। भले ही भर्ती मरीज को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं दिया गया था और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी बिल 1,61,000 रुपए का दिया गया, जो कि गलत है। दिए गए बिल में बेड शुल्क 12,000 रुपए पर लगाया गया है। हालांकि सरकार दर से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकता है, फिर भी अस्पताल द्वारा ज्यादा शुल्क वसूला जा रहा है। सर्विस चार्ज, काउंसलिंग चार्ज, आरएमओ चार्ज व मॉनिटरिंग चार्ज भी वसूले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी, एसडीओ ग्रामीण, नगर आयुक्त और पुलिस विभाग को शक्ति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के खिलाफ महाजनवाड़ी हिंगना में उचित कार्रवाई की मांग की है। सचिव भूषण ढाकुलकर, विदर्भ युवा संयोजक पीयूष आकरे, राज्य संगठन के उपाध्यक्ष निहाल बारेवार, विशाल चौधरी, हरीश गुरबानी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। सात एक हफ्ता पास भर्ती है, सर सुट्टी मागत है, सात दिवस आज सुट्टी जाए तैयार सुट्टी मांगी तो बिल बिल सा अप्लाय के बिल मजा अवकली भक्त के लिए जास्त खूब जास्त बिल जाए एडवांस मटल तो मजा है नहीं मंगलसूत्र गैरंटी वो 80,000 रुपये एडवांस आने सर इतने स्पेशल रूम है। स्पेशल रूम तो कहीं नहीं है सर, नहीं मला वेंटिलेटर लगला है ना कहीं लगला है, ऑक्सीजन पर नहीं लगला है, कहीं नहीं लगला है, स्पेशल रूम म्हणता। जय हिंद सर्वांना। आज आम्ही है ना हिंगण्याच्या कैकाडे हॉस्पिटल आलेलो आहे। इथे हे शक्ती मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है डॉक्टर कैकाड़े आणि डॉक्टर गुप्ता यांचं। इथे मागे पण आम्ही बरेच केसेस बघितले। इथे कोविड पेशंट कोविड सेंटरच्या नावावर जनतेची मोठ्या प्रमाणात लूट सुरू आहे। पहिले पेशंटला ॲडमिट करताना 1.5-2 लाख रुपये हे त्यांच्याकडून डिपॉझिट घेत आहे आणि त्यांना ऑक्सिजन पण लावत नाही आहे, रेमडेसिविर लावत नाही आहे। साधारण पेशंटलाही 2-2 लाख रुपयाचे डिपॉझिट देत आहे आणि आम्ही त्यांना जेव्हा बिल मागतो आहे तेव्हा ते आम्हाला कच्चे बिल देत आहे आणि ते आम्हाला अरेरावीची भाषा देत आहे पेशंटला की तुम्हाला जे बनते ते करून घ्या, आमच्याकडे पॉलिटिकल सपोर्ट आहे मोठा, तुम्हाला पोलिसात जायचं आहे कुठे जायचं आहे तुम्ही जे करायचं करून घ्या, आमचा तुम्ही आमचं काहीही करू शकत नाही, अशा प्रकारे ते धमकवत आहे। तर माझी या प्रशासनाला आणि सरकारला विनंती आहे हात जोडून की अशा ह्या मुजोर आणि पैसे खाऊ डॉक्टरांना तातडीने यांच्यावर कारवाई करावी, यांची कोविड सेंटरची जी मान्यता आहे तातडीने रद्द करावी। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News, नागपूर।